पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री व भाजपा के राज्यसभा के मुख्य सचेतक सांसद शिव प्रताप शुक्ला ने मंगलवार को एक स्थानीय होटल में मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि बजट के दूसरे भाग में राज्यसभा में कुल 104 घंटे 23 मिनट काम किया गया। इस दौरान 23 बैठकें आयोजित हुई। बजट के दोनों भागों को मिलाकर 90% समय का सदुपयोग किया गया। उन्होंने कहा कि 21 घंटे 26 मिनट का समय विपक्षियों के हंगामे की वजह से बर्बाद हुआ। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर 15 घंटे 37 मिनट बहस हुई और 50 संसद सदस्य ने अपने विचार रखे। बजट पर कुल 10 घंटे 53 मिनट की चर्चा हुई तथा 45 संसद सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए। इसके अलावा राज्यसभा में कुल 19 बिल पास किए गए। इन विधेयकों पर कुल 37 घंटे और 4 मिनट की चर्चा हुई। 42% समय विधायी कार्यों पर खर्च हुआ। 190 संसद सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लिया। इसके अलावा 223 लोक महत्व के मुद्दे उठाए गए। इसके अलावा राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला ने बैंकों की स्थिति के बारे में बताया कि बैंकों की आर्थिक स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। सरकार ने बैंकों की स्थिति सुधारने के लिए तथा लोगों के पर्याप्त मात्रा में ऋण देने के लिए काफी पूंजी लगाई है। सन 2018 में NPA 8.96 लाख करोड़ था। वह दिसंबर में घटकर 5.77 लाख करोड़ रह गया है। बैंक में फ्रॉड की स्थिति 2010 से 2014 के बीच में जो 0.72% थी वह 2020 में घटकर 0.23% हो गई है। इसके अलावा शिव प्रताप शुक्ला ने अन्य बिंदुओं पर अपने विचार व्यक्त किए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री व राज्यसभा में भाजपा के मुख्य सचेतक और राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला ने कहा, अभी जो संसद का बजट सत्र का दूसरा भाग समाप्त हुआ है उसके बाद संसद के उपलब्धियों के संदर्भ में और विशेष करके वित्तीय स्थिति के संदर्भ में वार्ता करने के लिए आप लोगों के समक्ष हैं। राज्यसभा में कुल 104 घंटे 23 मिनट का कार्य हुआ है। 23 बैठकें इसमें हुई हैं। बजट के दोनों भागों को अगर मिलाकर के प्रथम और द्वितीय को देखा जाए तो राज्यसभा के कार्य की उपलब्धि 90% रही है। कुल विपक्ष ने भी कुछ समय बर्बाद किया जिसमें कुल मिलाकर के 21 घंटे 26 मिनट का समय बर्बाद भी हुआ है और बार बार कहने के बावजूद भी विपक्ष अपने अनुसार उसको मनमानी करता रहा है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर 15 घंटे 37 मिनट की बहस हुई और 50 संसद सदस्य इसमें अपने विचार रखे। ऐसे ही बजट सत्र पर कुल 10 घंटे 43 मिनट की चर्चा हुई और 45 संसद सदस्य अपने विचार रखे थे। राज्यसभा में कुल 19 बिल पास हुए और इन विधेयकों पर कुल 34 घंटे और 4 मिनट की चर्चा हुई। 42% समय विधायी कार्यों पर खर्च हुआ। कुल मिलाकर के 199 संसद सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लिया। तीन जो महत्वपूर्ण विभाग थे जिसको राज्यसभा को अलॉट किया गया था चर्चा के लिए, उसमें जल शक्ति मंत्रालय, रेलवे और पर्यटन मंत्रालय, कुल इस पर 11 घंटे 3 मिनट की चर्चा हुई थी। तो इस प्रकार से राज्यसभा की यह जो बजट सत्र के दूसरे सत्र की उपलब्धि रही इतनी महत्वपूर्ण रही जिसकी चर्चा आप लोगों के समक्ष करनी आवश्यक थी। साथ ही साथ काफी कुछ चर्चा आर्थिक स्थिति पर भी हुई। मैं इसी नाते आप सभी लोगों के समक्ष वह विषय स्पष्ट करना चाहता हूं कि आर्थिक स्थिति जितनी हमारी सुधरी है, 2018 में NPA 8.96 लाख करोड़ का था, वो दिसंबर 2020 में घट करके 5.77
7 लाख करोड़ का रह गया। मतलब उसमें हमारी उपलब्धि हुई है, हम उन लोगों से जो बैंकों का पैसा ले लिए थे उनसे वसूल लिए। 12 सार्वजनिक बैंकों में से 11 दिसंबर 2020 तक सारे प्रोजेक्ट उनके आ गए थे। मार्च 2018 से दिसंबर 2020 तक रिकॉर्ड 2,74,000 करोड़ रुपए की जो लोन की थी जो उसको उसकी वसूली हुई। बैंकों में जो फ्रॉड की स्थिति 2010 और 2014 के बीच थी वह 0.72% थी, 2020 में घट करके 0.23% रह गई। जहां तक नुकसान के संदर्भ में है, 11 बैंक 2018 तक आरबीआई की दृष्टि में नुकसान में थे और अब ऐसे लॉस मेकिंग बैंकों की स्थिति सिर्फ 2 रह गई है, 11 से घट करके 2 हो गई है। इसी प्रकार से मार्च 2021 तक आय करके जो मामले थे इनकम टैक्स के 98,328 करोड़ रुपए का टैक्स का खुलासा हुआ, जिसमें 53,346 करोड़ रुपए की वसूली भी कर दी गई। इस प्रकार से हम वित्तीय स्थिति जिसकी चर्चा बहुत जोर शोर से कभी कभी लोग कर देते हैं उसको ये हुआ तो श्री नरेंद्र मोदी जी के सरकार में इस प्रकार की उपलब्धि हुई। कोविड के बाद भी हमारी यह उपलब्धि अभी रही है। तो यह विषय जब राज्यसभा में और लोकसभा में आया और जब लोगों ने इसको उठाना चाहा वित्तीय स्थिति, तो उसमें बात तो आई लेकिन संसद की कई कार्यवाही ऐसी होती है जो समाचार पत्र में नहीं उस समय छपाते हैं, वो बाद में ही कहना होता है। तो आज हम आप लोगों के माध्यम से उस श्वेत पत्र की स्थिति को स्पष्ट करना चाहते हैं कि किस प्रकार से श्री नरेंद्र मोदी सरकार जी के परफॉर्मेंस इतने अच्छे रहे हैं जो जनता में कहे जा सकते हैं, सराहे जा सकते हैं और मुझे लगता है कि विपक्ष को भी कहना चाहिए, लेकिन विपक्ष शायद मुद्दों को समझता नहीं है, पूरी तौर पर उसको हाउस को डिस्टर्ब करने की स्थिति में रहता है, जिसकी बात मैंने आपसे बताया भी है कि कितने घंटे नष्ट हो गए। ये विषय आप लोगों के समक्ष हमें रखना था, जो इसका हार्ड कॉपी भी मैं इसी संदर्भ में दे रहा हूँ और आप लोगों के साथ ही उसको बताने का प्रयत्न भी कर रहा हूँ। ये विशेष करके मुझे आज के इस प्रेस के लोगों से मिलने का कार्यक्रम था, उनसे निवेदन करने का कार्यक्रम था जो मैंने किया है। रोजगार के लिए तमाम लघु मध्यम उद्यम दिया गया है, केंद्र सरकार द्वारा भी हुआ है, आत्मनिर्भर भारत के तहत भी हुआ है, देखिए रोजगार को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने प्रयत्न किया MSME के द्वारा। पूरे तौर पर भारत सरकार ने लोगों को रोजगार देने का काम किया है और लोग रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। अब रोजगार मांगने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बन रहे हैं। MSME को बार बार हम लोग सरकार ने पैसे दिए हैं, उसके वृद्धि के लिए कार्य किया है, जो एलोकेटेड बजट था उस बजट से अधिक काम किया है। अब जो बजट मिलेगा, क्योंकि राज्यसभा और लोकसभा दोनों में पारित हो चुका है, तो स्वाभाविक है कि उसका कटाव जो है हम 6 महीने के बाद आप सभी लोगों को उपलब्ध करा सकेंगे।